नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे DLED सेकेंड ईयर के पेपर कोड S9C के बारे में। S9C में आप सभी को पढ़ना है सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करते हैं, जो कि संभवतः आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। यह प्रश्न पत्र जो है विशेषज्ञों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है, ताकि आप अपनी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति, महत्व, उद्देश्य एवं अवधारणा को लिखें। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं नागरिक शास्त्र का क्या महत्व है एवं सामाजिक विज्ञान शिक्षण के सिद्धांत का वर्णन करें। तीसरा प्रश्न है, NCF 2005 एवं BCF 2008 में सामाजिक विज्ञान के संदर्भ को आपको लिखना है। चौथा प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि क्लास 6 से लेकर 8 तक पर सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम एवं उसमें सम्मिलित विषय के महत्व पर प्रकाश आपको डालना है, यानी कि इसके बारे में वर्णन करना है। पांचवा प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। छठा प्रश्न है, भूगोल शिक्षण के विभिन्न स्तरों का क्या उद्देश्य है एवं भूगोल के प्रभाव क्षेत्रों का वर्णन करें। सातवां प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में यानी कि एजुकेशन के फील्ड में ICT की उपयोगिता क्या है एवं ICT के मुख्य सीमाओं को बताएं। ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। चलिए हम अगला प्रश्न की बात करें, प्रश्न के 8 में आपको दिया हुआ है, इतिहास एवं भूगोल विषय की शिक्षण विधियाँ, तकनीक एवं शिक्षण सामग्री का उल्लेख करें। नवा प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता एवं चुनौतियों का वर्णन आपको करना है। और हमारा अंतिम प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के आकलन एवं मूल्यांकन के तरीकों का उल्लेख करें। इस वीडियो में जो है हम आपके DLED सेकेंड ईयर के पेपर कोड S9 के अंतर्गत C सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।